बीजेपी के जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई के द्वारा कलेक्टर हनुमानगढ़ को एक ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन सौंपकर उन्होंने मांग की है कि नगर परिषद हनुमानगढ़ के अंदर जो प्लाटों की बोली की जा रही है उसके अंदर अनियमितताएँ बरती जा रही हैं, अतः जांच करवाते हुए इस बोली को रुकवाया जाए। आइए सुनते हैं कि बीजेपी के जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई का पूरे प्रकरण पर क्या कहना है। आज कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन दिया है कि जो नगर परिषद द्वारा जो दुकानों की नीलामी की जा रही है उसमें भारी अनियमितताएँ की गई। एक ही ब्लॉक में एक प्लॉट 30 लाख रुपए का और एक प्लॉट 60 लाख रुपए का एक ही सीरीज में, तो जो इस तरह से जो इस नगर पालिका की नगर परिषद की बेशकीमती भूमि जो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ रही है, नगर परिषद इस बेशकीमती भूमि को जो लुटाने का प्रयास कर रही है और लूटने का प्रयास कर रही है, उसके बाबत हमने ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन में जैसे एफ ब्लॉक में 30x60 की दुकान है, 51 लाख की है और 52 लाख 31 लाख की, और 53 नंबर दुकान 33 लाख की, यानी एक ही सीरीज में तीन दुकान, एक दुकान 51 की और दो 30-30 लाख की। इससे ये साबित होता है कि इसमें भारी अनियमितता हो रही है, भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। इस प्रकार ये अनेक आपको ज्ञापन के मार्फत ज्ञापन की कॉपी आपको भी उपलब्ध होगी। तो जो नगर परिषद इस दुकानों की नीलामी में जो भारी अनियमितताएँ और भ्रष्टाचार कर रही है उसके विरुद्ध हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया और नीलामी तुरंत रोकने के आदेश फरमाने के हमने उनसे निवेदन किया है।